शंकर नहीं थे तो वहां पर विघ्न नहीं आए। जहां शिव नहीं है वहां विघ्न है, शिव है तो विघ्न पुटा लिखा है, क्योंकि जिसका जिसका पुत्र ही विघ्नहर्ता है, जिनके बेटे ही स्वयं गणेश जी है विघ्नहर्ता है, तो विघ्नहर्ता लेगा शंकर भगवान वहां पर विराजमान। तो सारे दुख को हरने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, सारी बीमारियों को हरने वाले, सारे तकलीफों को हरने वाले केवल वहां शंकर विराजमान है। तो पंचायत में कोई निर्णय कोई नहीं करेगा, पंचायत का निर्णय स्वयं शिव कर रहे हैं। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़कर सूर्य को अर्घ देकर माँ भवानी के चरणों में जल देकर स्वयं नारायण का स्मरण कर स्वयं गणेश जी का पूजन कर देव शर्मा ने विनती करी और देव शर्मा ने विनय करा तो भगवान शंकर ने उसी समय पर उनके एक पुत्री के जन्म का वर प्रदान किया। अब बेटी का जन्म हुआ।